सहज स्थिति कथा ब्रह्म विद्या नवद्या ज्ञानम सर्वात्म भावम स्थिरचरहितकृत क्षेमुषी शांति भूषा आश्चर्यं चारुचर्या जननयन मनोमोहनी मुक्तवर्या संपूर्णानन्दवीर्यसत्तम् ब्रह्ममूर्तम् प्रपद्ये जीवन्मुक्तिर्विशिष्टा बत विगत बपुर्मुक्तिरिष्टेति पृष्टः सुस्पष्टं गुरुर्वग्रहणात् उभयमपि दृशाः साधिता सान्तताभ्याम् मोहापायोपलक्ष्यः स्वयमयमभयो मुक्तिरात्मैव नान्या पूर्णानन्दाय तस्मै प्रणीतमनसा सन्ततेऽहं नमामि परिपूर्णपरिज्ञान परितृप्तिमते सते विष्णवे विष्णवे दिव्यम् कृष्णनाम कृते नमः भगवान की अकुंठित स्मृति जिसमें कभी कुंठा न आवे, जैसे तलवार की धार तेज रहती है वो सामने की वस्तु को सुगमता से काट देती है, लेकिन तलवार की धार जब कुंठित हो जाती है, गांव की भाषा में बोथर हो जाती है, मोटी पड़ जाती है, तब वो सामने की वस्तु को काट नहीं पाती। ऐसे जब भगवान की स्मृति कुंठा को प्राप्त न हो, स्थूल न हो, बोथर न हो, तीव्र हो स्मृति, तो भगवान की स्मृति दुख दूर करती है। हर स्मृति सर्वदुख दिनों क्षणम, भगवान की स्मृति सब विपत्तियों से छुड़ाती है। भगवान की याद माने दुखों से छूट जाना, मरने के बाद नहीं, अगले जीवन में नहीं, जितने काल तक आपके हृदय में भगवान की स्मृति रहेगी उतने काल तक आपके हृदय में दुख का प्रवेश नहीं रहेगा। ये बात आप ध्यान में लीजिए, भगवान आके आपका दुख दूर नहीं करेंगे, आप जो भगवान की याद करेंगे उससे दुख दूर। क्योंकि हमें विश्वास है कि भगवान हमारा दुख दूर करेंगे, तो ठीक है, दुख दूर करेंगे भगवान पर विश्वास तो आपका होगा ना। जिसके हृदय में भगवान का विश्वास होगा, ये विश्वास जीवनिष्ठ है, वो जीवनिष्ठ है माने जीव के हृदय में रहता है, स्मृति जीव के हृदय में रहती है। और जब जीव अपने हृदय में भगवान का विश्वास, भगवान की स्मृति रखता है, तो भरी सराय रही मंडली आप पथिक फिर जाए। आपके हृदय में भगवान की स्मृति है, भगवान का विश्वास है, अब कोई गुंडा आपके घर में, कोई दुख आपके हृदय में प्रवेश नहीं कर सकता। एक आदमी को बहुत रोना आता था,
तो मैंने ऐसे हंसी हंसी में एक दिन कह दिया कि जब तुम रोते हो तब श्री कृष्ण भगवान तुम्हारे सामने खड़े होकर अंगूठा दिखाते हैं, ले 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 ले। ऐसे बोलते हमारे गांव में, बोलते ले 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 ले, ऐसे अरे अब वो महाराज रोना शुरू करे तो हमारी बात याद आ जाए तो हंसने लग जाए, है ना, हंसी आ जाए। दियो सुकुल जन्म शरीर सुंदर देश जो फलचारी हो, अच्छे वंश में आपका जन्म हुआ, बड़ा सुंदर शरीर मिला, इस शरीर से धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त किए जा सकते हैं। त्रिभुवन विभव है तबे भी अकुंठ स्मृते, त्रिभुवन विभवाय तद हेतवे, त्रिभुवन विभव हेतवे यकुंठ स्मृते। तीनों लोग की संपदा मिल रही है और तीनों लोग की संपदा देने वाला मिल रहा हो, साधन सहित फल की प्राप्ति हो रही हो, साधक सहित फल की प्राप्ति हो गई, लेकिन वो कहे कि भगवान को भूल जाओ, उससे ज्यादा मूल्यवान, उससे ज्यादा कीमती भगवान की स्मृति। अजितात्म सुरादिर विमृग्यात न चलती भगवत पदारविंदात, देवता लोग भगवत पदारविंद को ढूंढते रहते हैं। कैसे देवता, देवता लोग ढूंढते क्यों रहते हैं, अरे देवताओं को न मिले तो हमको भी नहीं मिलेगा, दुर्लभ हो गया ना। तो बोले नहीं, देवता लोग भोगी होते हैं, अजितात्मा ना, वे जितात्मा नहीं होते हैं, हो न जिता आत्मा जीशाम सही, अजितात्मा भी सुरादि देव दानव मनुष्य विमृग्या, जिन लोगों की इंद्रियां बस में नहीं है, वो चाहे देवता हो, दानव हो, मानव हो, भगवत चरणारविंद मने की वस्तु रह जाए, वो तो चरम प्रकाश परम प्रकाश स्वरूप जनता, अरविंद शब्द का प्रकाश होता है, ये कमल है ना, कमल चलता है उसको अरविंद बोलते हैं ना, तो रविंद इति रविंद अंधकार, न रविंद अरविंद, जो सूर्य को भी दबोच लेता है उस अंधकार का नाम है रविंद, रविंद रविंद, और अरविंद वो है जो सूर्य को देख कर खिलता है, भगवान का गर्ण अरविंद अपने महापुरुषों के हृदय में जो अंधकार होता है ना, अंधकार उसको किसने दूर किया है, उसको भगवान के चरण अरविंद के प्रकाश ने दूर किया है। संचिंतयेत् भगवतश्चरण अरविंदम वज्रां कुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तबिलसन्नखचक्रबाल ज्योत्स्नाविराहत महद्हृदयान्धकारम्। दस दस नाखून भगवान के चरणों से लाल लाल और उभरे हुए, और उनमें से जो चमक निकलती है, रोशनी निकलती है, उससे महा उससे महान से महान अंधकार हृदय का दूर हो जाता है और महाप्रकाश हृदय में महाप्रकाश होता है। जच्छौच निस्कृत सरित प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्धन्यधिकृतेन शिव शिवोभूत जातुर्मन समल शैल निश्रेष्ठ वज्रम जाए चिरम भगवत चरणारविंद। भगवान के चरणारविंद की चाल, उसकी आवाज, उसकी सुगंध,
उसका रस, उसका सौंदर्य, उसका स्पर्श, उसकी ध्वनि, नूपुर ध्वनि चिरकाल तक ध्यान करो। भगवत चरणारविंद जिसको चस्का लग जाता है भगवान के चरणारविंद के ध्यान का, फिर छूटता नहीं है। लोग हाथ विच्छेद न रसग्रह हो जाता है, ऐसा रसग्रह होता है जैसे जागृत लोग सोम पान करते हैं ना, तो उसको ग्रह बोलते हैं। ये रसग्रह हृदय नहीं, अपने हृदय में ही सोम पान है। अपान सोमम अमृता अभूमा, वो यज्ञ करके सोम पान करते हैं और भक्त अपने प्रेम से भगवत चरणारविंद रस का, चरणारविंद मकरंद मधु का जो पान करता है, भगवत अजितात मसुरादिर्विमृग्या, यहाँ तक कि अजितात्मा जो देव दानव है वो भी न चलति भगवत पदारविंदात लव निमिषार्थमपी, एक लव के लिए, एक निमेषार्थ के लिए भी जो वहां से विचलित नहीं होता उसको कहते हैं भगवान का दान। अब कहते हैं देखो हाथ कंगन को आरती करो, कभी देख ध्यान तो करो। श्री गिरिराज गोवर्धन अपना सिर उठाए खड़े हैं, कल कल मीनालिनी हरोली कालिंदी जमुना जी मन मन प्रगति से बह रहे हैं, बालुका में सुन है, गऊं पानी पीने के लिए आ रही हैं, ग्वाल बाल पीछे श्री कृष्ण की लीला का गान कर रहे हैं और आगे आगे नीला अंबर भारी बलराम और पीता अंबर भारी श्याम सुंदर और मोर मुकुट वाले नाचते हुए, गाते हुए, हंसते हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए, प्रेम भरी चितवन से देखते हुए, अनुग्रह बरसते हुए, पीता अंबर लहराते हुए, ठुमक ठुमक कर पाद विन्यास करते हुए, तब वो देखो सामने जा रहे हैं। एक मिनट, दो मिनट, तीन मिनट, आप अभी देखो उनकी मुस्कान, देखो उनकी चितवन, देखो आपका दुख दूर। एक मिनट के लिए हो जाएगा, दो मिनट करो तो दो मिनट के लिए हो जाएगा, और यदि आदत पड़ जाएगी तो जैसे बच्चे को कोई धमकावे तो दौड़ के माँ की गोद में जाता है, आंचल में मुंह छुपा लेता है, वैसे आपको दुनिया में कहीं दुख मालूम पड़ेगा तो आप झट दौड़ के भगवान के पास चलेगा। क्या है साफ संसार में, भक्त लोग तो मानते ही नहीं, संसार में हो भगवान ने कोई ताप बनाया है, कोई दुख बनाया है, मानते ही जो भगवान से विमुख हैं उनके लिए दुख है, जो भगवान के सम्मुख हैं उनके लिए दुख नहीं। विपदो नैव विपदा, संपदो नैव संपदा, विपद विस्मरणम विष्णो संपन्न नारायण स्मृति। विपत्ति माने भगवान को भूल जाना, संपत्ति माने भगवान की याद आना। विपत्त विपत्त नहीं है, संपत्त संपत्त नहीं है, भगवान को भूलना विपद है। आपको कहीं पांव रखने की जगह नहीं मिलेगी, विपद का अर्थ यह है, विपद का अर्थ है आपको कहीं पांव रखने का ठौर नहीं है, लेकिन संपत्त है यदि भगवान की याद है तो जहाँ जहाँ आप कदम रखेंगे वहाँ वहाँ परमानंद है। भगवत रूप प्रमाण नखमणि चंद्रिकया निरस्ततापे हृदि कथम उपसीदता पुनः सप्रव चंद्रयोगितेर्कताप उपसीदता जनाना हृद उपसीदन्ति उपसीदंता तेसाम उपसीदता, जो भगवान की शरण में आते हैं उनको सदन करते हैं उनका नाम होता है उपसीदंता, उनका बहुवचन है शक्ति का उपसीदता। आ जाओ भगवान के चरण अरविंद में,
आपको मधुपान का निमंत्रण है। भगवत चरणारविंद मकरांग का पान करो, मधु का पान करो। शराब पीना हो तो वो, शहद पीना हो तो वो। गोविंद चरणाम्भोज मधुनो महदद्भुतम, भगवान के चरणारविंद की मधु उसमें बड़ा भारी चमत्कार है, आश्चर्य है, आश्चर्य है। जब पाइनो न मुह्यंती मुह्यंत जब पाइना, उस मधु को पियो तो तुम कभी बेहोश नहीं होगे, कभी बेहोश नशा नहीं होगा, और नहीं पियोगे तो बेहोश रहोगे, हमेशा नशे में रहोगे। यद पाइनो न मुह्यंती मुह्यंती जब पाइना, गोविंद चरणाम भोज मधुनो महदद्भुतम, यद पाइनो न मुह्यंती मुह्यंती जब पाइना। भगवत उरु विक्रमांग विशाखा नख मणि चंद्रिकया निरक्तता, मनुष्य का अहंकार, जीव का अहंकार, तीन कदम में नाता, एक में धरती, एक में स्वर्ग, और एक से मनुष्य का अहंकार और शरीर के विस्तार से आकाश। त्रिविक्रम गुरु विक्रम बोलते हैं, माने जो परिपूर्ण है उनके चरणारविंद की शाखा माने उन्हें। और गुरु विक्रम का अर्थ है रासलीला में जो उरु उरुधा क्रम बाद दुनिया को जल गया। रासलीला में जो ताल पर फिरक फिरक है, तरह तरह की गति में, तरह तरह के ताल में जो पाद विन्यास करते हैं, उनका नाम है उरु विक्रम। नाचने दीजिए ना, आपका हृदय है वृंदावन। अंगना मंगना मंदरे माधवो माधवम माधवम चांतरे अंगना, इत्थमा कल्पिते मंडले मध्यगः संजगौ वेणना देवकी नंदना। राधा कृष्ण राधा कृष्ण गोपी कृष्ण गोपी कृष्ण गोपी कृष्ण, दो कृष्ण एक गोपी, दो गोपी एक कृष्ण, दो दो गोपी एक एक कृष्ण। राधा कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, करने दीजिए थोड़ी देर, अपने हृदय के वृंदावन में, अपने हृदय के कुंज में, निकुंज में। ये कुंज शब्द वृक्ष के लिए होता है, उसी से संज्ञा में कुंज शब्द बनता है, वृक्षों का गुरमुख होता है। तो या कुंज गली में निरसत नंद किशोर नृत्य कर रहे हैं, आनंद 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 आनंद। उनके उरु विक्रम तरह तरह से पांव रखने से, कभी एक घुघरु बजे, कभी दो घुघरु बजे, कभी तीन बजे, कभी चार बजे, कभी सब झंझना होते हैं, और कभी एड़ी पड़ती है धरती पर, कभी पंजा पड़ता है धरती पर। और नृत्य की जब सिद्धि हो जाती है तो पांव धरती पर नहीं पड़ते हैं, वो नृत्य में बिल्कुल आकाश में ही नृत्य होता है, वो सिद्ध नृत्य। जैसे जोग की सिद्धि होती है ना, ऐसे नृत्य की सिद्धि होती है, धरती पर पांव पड़ते ही नहीं है। ओ वही एक दो तीन नृत्य नंद भगवत विक्रमान, उनके चरणारविंद में जो शाखा है माने अंगुलियां हैं, उनके जो नख हैं वो बिल्कुल पद्मराग मणि के समान लाल लाल उभरे हुए हैं। उनमें से जो रोशनी निकलती है, चांदनी निकलती है, वो हृदय के ताप को दूर कर देती है। ताप को दूर करना माने दुख को दूर करना, अंधकार को दूर करना माने अज्ञान को दूर करना। वो परमानंद, वो परम ज्ञान स्वरूप, स्वयं सदरूप परमानंद तिनमूर्ति भगवत चरणारविंद। कथम उपसीदताम पुनस्त प्रभवती, जो शरणागत हो जाते हैं भगवान के चरणारविंद में आ जाते हैं, उनके पास फिर अज्ञान का अंधकार कहाँ से आवेगा, उनके पास दुख का ताप कहाँ से पहुंचेगा। प्रभवती चंद्र योदी देर का ताप, और जब चंद्रोदय हो गया तो सूर्य का ताप कहाँ से लगेगा। गुरु भाई ये तो हुई बात भक्त की,
उनकी याद करे, उन पर विश्वास करे, उनकी याद करे, उनसे प्रेम करे, उनकी लीला देखे, उनका आनंद ले। भगवान भी कुछ करते हैं कि नहीं? वो भी करते हैं। विस्तृति हृदय यस्य साक्षात हरिवशाभिनाश प्रणयरसनया भूतांग्रिपद्म सभवती भागवत प्रधान उत्पहा। ये तीन श्लोक को साकार भक्त के लक्षण। तीन श्लोक में प्रथम मध्यम, उत्तम मध्यम और प्रथम, और पांच श्लोकों में निर्गुण निराकार का भक्त, और तीन श्लोकों में साकार भक्त का वर्णन, ऐसा इसका विभाग है। ये प्रकरण विभाग का ज्ञान हुए बिना भागवत का अर्थ सुलभ नहीं होगा। विस्तृजति हृदय न यरिदाभना। कोई विवशता में भी भगवान का नाम ले ले, पांव फिसल गया, कृष्ण कृष्ण सिंगारी कृष्ण कृष्ण, हाथ की चिंगारी पड़ गई, कृष्ण कृष्ण चोट लग गई, कृष्ण कृष्ण। विवशता में भी भगवान के नाम का कुछ किसी के मुंह से उच्चारण हो जाए, ये जिह्वा की शक्ति नहीं है, ये नाम की शक्ति है, नाम की विशेषता है। सारे पाप नष्ट हो जाएगा, पाप नहीं रहेगा तो दुख नहीं रहेगा, पाप नहीं रहेगा तो वासना नहीं रहेगा, पाप नहीं रहेगा तो संस्कार नहीं रहेगा। अघौर नाश, बोले भगवान उसके हृदय को छोड़ते ही नहीं हो। विसृजति हृदय यस्य साक्षात, स्वयं भगवान को इतना मजा आ जाता है उसके हृदय में, भगवान का नाम लो, पाप ताप सब नष्ट हो गए, अब वहाँ भगवान को रहने में आनंद आता है। तो अपने भक्त का हृदय छोड़ करके कभी कहीं जाते ही नहीं। और भक्त क्या करता है कि जब भगवान को मजा आने लगता है ना भक्त के हृदय में, और जाते नहीं है, तो धीरे धीरे वो भगवान के पांव को बांध देता है, भगवान को पता ही नहीं चलता। प्रणय रसनया श्रितांग्र पद्महा, प्रेम की रस्सी से, प्रेम की रस्सी से वो भगवान के पांव को पकड़ करके, चरण कमल को पकड़ करके रख लेता, बांध लेता है।